I mean, the last few days. ये कह लो कुछ आखिरी दिन फिलहाल के लिए। यार एक बात देखी, अगले साल ले फाइनल ईयर तो जा रहे कॉलेज छोड़ के, तो लास्ट 6 महीने देने कॉलेज को फिर से। लड़खड़ाता हुआ जाम ढूंढ रहा हूँ, सूरत से मुखातिब मैं वो शाम ढूंढ रहा हूँ। मंजर मेरी नजर में ये सब हसीन, वॉक द स्टेज चारों तरफ नाम गूंज रहा। यार इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते ना मुझे 3 साल हो चुके, पर कहने को कॉलेज में ये मेरा पहला साल था। आई मीन कोविड पैंडमिक एंड वेट व्हाट। हाँ, तो जो हम बोल रहे थे कि 22 जुलाई 2022 को पहली दफ़ा इन रास्तों में कदम रखा था, और जो भी, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जो भी एक्सपेक्टेशंस लेके इस गेट से घुसा था ना, सारे के सारे टूट गए। पर एक ऐसी चीज थी जो मुझे वैसी की वैसी ही मिली जैसा मैंने सोचा था। I mean, when you go to college for the very first time, you expect to explore, go on trips, make the craziest group of friends. पढ़ाई का तो उतना पता नहीं, but you go out there to learn as well. Learn. शायद इसी चीज़ ने disappoint नहीं करा. But you know what? Before I let you know my 3 biggest learnings from college life, मेरे exams खत्म हो गए and I desperately want to get out of this place. Actually, I need to get out of this place right now. हाथ बांध छोटे, हाथ बांध सुनो एहतराम से, गाने मेरे नाम के मुरीद, तेरे पसंदीदा रैपर मेरे काम के मुरीद, हाथ बांध वरना बोलेगी फिर 9 मिलीमीटर, हाथ बांध छोटे, हाथ बांध आए तेरे शहर तो लगा दे वहाँ 4 चांद, बात मान मेरी बात मान, हला होड़ी नहीं होए देंगे तेरी गान फाड़, जिन्हें चर्च पिला दी वो सारे हाय के मुरीद, जिन्हें वर्ष दिया वो खाने लिखाई। आई मीन अगर आप ये रूम जानते हो देन आप इस चैनल के एक OG व्यूअर हो, एंड इफ नॉट डोंट वरी, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बट यस, इट फील्स गुड टू बी बैक इन माई होम, इट फील्स गुड टू बी बैक आउट हियर इन कोलकाता। आई मिस दिस प्लेस डूड। So after we get done with our 3rd year in college, you get this long 3 mahine ka holidays from May, June and July. And in this period of time, you're supposed to be either interning with some company or buckling up for your placement. Or if you're someone like me, jiske bahut sare alag hobbies and passions hai, you probably work on them. And yeah, I might be interning with some company also. Well, you don't know that, but don't worry, main aapko bataunga. Lekin this is my first lesson from college. Always conceal your intentions. You know, college एक ऐसी जगह जहाँ पर there is fierce competition. Be the kindest badass human ever possible and trust me, you will come back and say thank you to me for saying this. You have plans? Go work on them. Don't go around telling people. You have ideas? Go execute them. Don't go around telling people. Come on, you had your first kiss? Don't go around telling people. People love to destroy great bonds and even better ideas. Well, ideas तो तभी आएंगे जब आप अपने आप को थोड़ा expose करोगे बाहरी दुनिया से। और मानो या ना मानो यार, college जाने का एक मूल्यवान reason, one of the main reason, if not the main है। देखो, बड़ी companies crack करने के लिए आपको एक बड़ा college नहीं चाहिए, आपको चाहिए बड़े skills। ये बात तो आपने हर जगह सुनी है, पर I want to put more emphasis on this by telling you exactly what to do through a course जिसके हिसाब से आप 1 साल के अंदर ही अंदर बड़े लेवल पे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स और बड़े अच्छे इंटर्नशिप्स ग्रैब कर सकते हो। मसाई स्कूल का 1 साल का कोर्स है, which is divided into 3 semesters, जिसे आप कॉलेज के साथ साथ कर सकते हो। एंड हर एक सेमेस्टर में आपको टेक स्किल्स अलॉन्ग विद फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट स्किल्स लाइक रिएक्ट प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML अलॉन्ग विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सिखाया जाएगा। इसके साथ ही द बेस्ट पार्ट, आपको सॉफ्ट स्किल्स सिखाए जाएंगे, आप पूरे साल प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे एंड आपको वो हर एक चीज सिखाई जाएगी विच इज नीडेड टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर अलॉन्ग विद अ केपेबल इंजीनियर। और देखो भैया, अगर आपने इनके फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म करा तो आपको मिल सकता है 120% का स्कॉलरशिप, मतलब सारे क्लासेस, असाइनमेंट, टेस्ट सब कुछ ढंग से अटेंड किए, भला आपका योगा साथ में 120% का स्कॉलरशिप, मतलब जितना पैसा डाला उससे ज्यादा। देखो यार, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो इस साल या फिर ऑलरेडी कॉलेज स्टूडेंट हो, डू चेक आउट मसाई स्कूल का करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इधर भी दे दूंगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि क्या क्या स्किल्स चल रही है अभी, कैसा उनका करिकुलम है, आइडिया लगा लो एटलीस्ट, क्योंकि एज समवन हूज प्लेसमेंट सीजन इज अप्रोचिंग, आई विश समवन हैड टोल्ड मी दिस अर्लियर, लेकिन चलो मैंने तो आपको बता दिया। और कॉलेज में सब कुछ कोई आके तुम्हें बताएगा नहीं, अपने दिमाग को भी लगाना पड़ेगा, और अगर आइडियाज चाहिए तो अपने क्रिएटिव ब्रेन को भी फुलाना पड़ेगा। और फुलाने से याद आया, मेरी कॉलेज लाइफ की दूसरी गलती थी कि ये रियलाइज नहीं हुआ कि
उतनी फुला हो जितनी तुम ले मतलब देखो इधर आके तुम्हें हजारों नई चीजों के बारे में पता चलेगा, हजारों नई चीजें दोस्त तुम्हें करने बोलेंगे जो तुम्हें करने का मन शायद ना भी हो। तो हर एक कदम को लेने से पहले 10 बार सोचना, और अगर कोई महान कांड करने का मन हो ना तो उस कांड को करने से पहले एक बार जरा सोच लेना जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, वो झेलने की हिम्मत मुझ में है ही या नहीं। और अगर नहीं लगता कॉलेज में मन तो निकल जाओ, डिग्री छोड़कर नहीं पर हर एक महीने एक नए शहर पे एक्सप्लोर करने का ट्राई करो, 10 नए लोगों से मिलके 100 नई चीजें सीखने की कोशिश करो। So we are right now currently in the 25 summit and I met this guy. Tushar Khan. Yeah. And you had fun doing this? Yes. Like it was March and I had just turned 21. College में एक महीना होने से ही I feel very saturated and start thinking like a typical college kid again, जिसको दुनिया में बस limited possibilities ही दिखती है। I booked my tickets to Bangalore और भैया वहाँ के लोगों ने और वहाँ के माहौल ने इन 2 दिनों में जो दुनिया देखने का नज़रिया बदला है ना मेरा, मतलब यकीन मानो I came back to college as a completely different person, more importantly with a completely different mindset. So whenever you get time in your college life, try to expand in terms of connections and optimize this time period for the best experiences. I wouldn't have been standing here if I had not recorded that podcast with Chandan that night, because he literally convinced me, bhai, Bangalore, aaja. Talking about experiences, did I tell you 14 February को हम गए थे अपने प्यार के साथ मुलाकात करने एक कंप्लीट हफ्ते के लिए, कहां पर? सूरत। क्यों? इंटर एनआईटी का टूर्नामेंट था हमारा, क्रिकेट का, ऑल इंडिया इंटर एनआईटी टूर्नामेंट। एंड जो एक्सपीरियंस रहा वहां पे, लाइक वी स्टेड देयर एज अ टीम, पूरा ना आईपीएल वाली फील आ रही थी भाई। तुम बोलोगे आकाश भाई ओवर हो रहा है, थोड़ा ओवर नहीं हो रहा है, मैंने फील करा वो सब। आज अपना मैच था विद एनआईटी भोपाल और हम लोग अप्रोक्सीमेटली 30 रन से जीत चुके हैं। एनीवेज यार, कॉलेज के इस एक साल ने वेरी ऑनेस्टली बताओ तो मुझे काफी ज्यादा लोगों से क्लोज करवाया, कुछ लोगों से दूर भी करवाया, काफी बार गिरा उससे ज्यादा बार ही उठा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एक रियलिटी चेक दिखा दी कि तुम है कुछ नहीं आता। बहुत सारी चीजें अभी तक सीखनी बाकी है, बट डिड आई टेल यू ड्यूरिंग दिस टाइम आई गॉट इवन क्लोजर टू क्रिकेट एज वेल एज म्यूजिक आल्सो। उसके अलावा मैं भी कोलकाता में हूँ, तो यहाँ पर एक मीटअप ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे काफी फ्रेश कॉन्टेंट ला रहा हूँ, ऐसी यूट्यूब की मूवी वाली फील्स एक एक मिनट के अंदर, तो एवरी अपडेट इज आउट देयर ऑन इंस्टाग्राम, सो चेकआउट कर सकते हो। एंड साथ में एडिटिंग कोर्स के ऊपर भी काम चल रहा है विच इज सपोज टू बी आउट जून महीने में। फक मैन, आई गॉट सो लिटिल टाइम एंड सो मेनी थिंग्स टू डू इन दिस लाइफ। लड़खड़ाता हुआ जाम ढूंढ रहा हूँ, सूरत से मुखातिब मैं वो शाम ढूंढ।